तो हम गोवा बीच की तरफ जा रहे हैं। ये सामने ये रामझूला का रास्ता है, इसे गोवा बीच बोलते हैं, गंगा नदी के किनारे। तो हम गोवा बीच की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए आप, तो कितना सुंदर वातावरण है, सुबह सुबह का वाइब्रेशन बहुत शुद्ध है, बगल में गंगा नदी है, सामने रामझूला है, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बहुत सुंदर स्थान है। आप जब भी आए एक बार कुछ देर के लिए यहाँ समय जरूर व्यतीत करें, आप आनंद लीजिए। आप तो मित्रों करीब एक घंटा यहाँ पर हमने गोवा बीच में बिताया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऋषिकेश राइडर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजीव अग्रवाल उर्फ संजू ऋषिकेश से। ऋषिकेश हिडन पैलेस की सीरीज में आज मैं गोवा बीच जा रहा हूँ, जो कि ऋषिकेश से करीब करीब 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी किनारे स्थित है। जब हम गंगा नदी को क्रॉस कर लेते हैं, चाहे वो जानकी सेतु से करो चाहे रामझूला से करो, वहाँ पर ये स्थित है। तो सुबह के 9 बज गए हैं, मैं अपने दोनों बेटों के साथ आज गोवा बीच, जानकी सेतु, रामझूला और हम एक जो बोटिंग चलती है गंगा के आर पार नाव, उसका भी आनंद लेंगे, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा आया हुआ है मालदीव से, अब वो कुछ ही दिनों में चला जाएगा वापस। वैसे उसके साथ काफ़ी जगह घुमा हूँ मैं, तो आज ये स्थान कुछ रह गया था मेरा, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी इस ब्लॉग का, इस सफ़र का आनंद लीजिए। ये ऋषिकेश मार्केट आ गए हम, और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर जानकी सेतु आ जाएगा, जानकी सेतु क्रॉस करके हम गोवा बीच की तरफ जाएंगे। अब ये देखिए, ये ऋषिकेश का हार्ट, जिसे बोलते हैं दिल, त्रिवेणी घाट चौराया, ये रेलवे रोड चली जाती है मेरे लेफ्ट में, राइट हैंड पे ये त्रिवेणी घाट, असम के लक्ष्मण झूला रोड, बद्रीनाथ केदारनाथ रोड। मैं इस समय बाइक पे जा रहा हूँ, छोटा बेटा बाइक चला रहा है, बड़ा बेटा स्कूटी पे पीछे आ रहा है। ये देखो, ये ऋषिकेश मार्केट है। तो दोस्तों ये राधा कृष्ण मंदिर है, इस्कॉन टेंपल। तो हम यहाँ से राइट हैंड पे मुड़ जाएंगे जानकी सेतु के लिए। यहाँ अधिकतर राफ्टिंग की एजेंसीज हैं, टूरिस्ट प्लेस होने के कारण ये देखिए आप राफ्टिंग ऑफिस हैं। और आप अगर फोर व्हीलर से आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी यहीं पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी। जानकी सेतु की पार्किंग भी है और एक सरकारी पार्किंग भी है यहाँ पर, लेकिन 2 व्हीलर क्रॉस करके हम गंगा नदी जी को क्रॉस करके हम 2 व्हीलर ले जा सकते हैं हम। तो ये सामने जानकी सेतु देख रहे हो, जानकी सेतु आ गया है, ये पार्किंग है, ये देखो सरकारी पार्किंग है ये, और ये जानकी सेतु की पार्किंग है। दोस्तों मैं 10 से 15 मिनट में अब जानकी सेतु ऋषिकेश पहुंच चुका हूं, गंगा नदी पे। आप ये मेरे पीछे जानकी ब्रिज देख रहे होंगे, ये जानकी सेतु है जो करीब करीब अभी 1-1.5 साल पहले ही बना है। ये देखिए आप, ये सामने गंगा नदी है और सामने रामझूला भी है। आप रामझूला से भी बाइक क्रॉस कर सकते हैं, गंगा नदी पार करके परमार्थ निकेतन, जहाँ सायंकालीन आरती होती है, गीता भवन, स्वर्ग आश्रम। अब ये लोग टूरिस्ट लोग, ये देखिए आप, एंजॉय करते हुए ये गंगा स्नान करते हुए, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। तो ये जो जानकी सेतु है, ये रामझूला और लक्ष्मण झूला की तुलना में डबल चौड़ा है। देखो इसमें आप एक लेन जाने की है बाइक्स, एक लेन बाइक्स आने की है, और बीच में ये पैदल का है ये क्योंकि शिवरात्रि नज़दीकी है, 1 मार्च की शिवरात्रि है, इसलिए भोले बाबा के भजन कीर्तन चल रहे हैं यहाँ। और आप 4 व्हीलर लाएंगे, जो मैंने पहले कहा था यहीं पार्क होगा, पैदल और 2 व्हीलर आपके इस उससे जा सकते हैं, इस पुल से जा सकते हैं। तो अभी हम पुल क्रॉस करके
सामने जाएंगे गोवा बीच की तरफ। ये राम झूला देखिए आप सामने, टूरिस्ट ही है। और सामने भूत बाबा टेम्पल है जंगलों के बीच घिरा हुआ। ये देखिए। तो दोस्तों अब चलते हैं हम जानकी सेतु पार करके परमार्थ निकेतन और गोवा बीच की तरफ। हमने ये जानकी सेतु क्रॉस कर लिया है। ये अब हम गंगा जी क्रॉस करके परमार्थ निकेतन साइड में आ गए हैं। ये सुबह सुबह भक्तों की भीड़ स्नान कर रहे हैं कि गंगा जी नदी। शिवरात्रि नज़दीक होने के कारण इतनी भीड़ है, नहीं तो इस समय यहाँ पे आम दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती है। ये सब नीलकंठ जाएंगे, नीलकंठ का रास्ता है, काफ़ी लोग पैदल जाते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ भी नीलकंठ मंदिर के लिए जाती हैं। करीब 30 किलोमीटर यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश आ गया है। भोले बाबा जी की मूर्ति आपने अधिकतर टेलीविज़न या ब्लॉग्स वगैरह में देखी होंगी। सायंकाल आरती होती है यहाँ। तो ये परमार्थ निकेतन है। ये सामने परमार्थ निकेतन का गेट, यहीं सायंकालीन आरती होती है और ये परमार्थ निकेतन है। मैं आपको आगे दिखाऊँगा, फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं हम। ये राम झूले का मार्केट, इसे राम झूला मार्केट बोलते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं कराया यहाँ अभी तक तो ब्रेकफास्ट नहीं कराया हमने। तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध पूरी वाले हैं जो काफ़ी पहले से दुकान चलाते हैं, गीता भवन पूरी वाले प्रसिद्ध। आप कभी भी ऋषिकेश आओ तो उनकी पूरी आलू की सब्जी का आनंद ज़रूर लेना। तो अभी मैं वहीं लेके चलता हूँ आपको। ये गीता भवन है ये। और थोड़ी ही दूर पर अब हम पार करके राम झूले की तरफ जा रहे हैं, फिर गोवा बीच। तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे, फिर नाव में सवारी भी करने की योजना है। फिलहाल अभी नाव चली नहीं है मेरे हिसाब से भी, अभी देखता हूँ मैं नाश्ता करके। ये स्वर्ग आश्रम है, टूरिस्ट यहाँ रहते हैं, एक एक दो दो महीने के लिए रूम लेके भी ठहर सकते हैं। बहुत कम किराया होता है यहाँ पर यात्री को रहने के लिए, लेकिन एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। यहाँ पर दुकान है अभी गीता भवन वालों की, अभी मैं आपको वहीं ले चल रहा हूँ। ये आ गई है, यहाँ रोक दो। तो हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए गीता भवन मिठाई दुकान, शुद्ध देसी घी से निर्मित तेल है। तो ये बहुत पुरानी दुकान है, जब मैं छोटा था बचपन में 8-10 साल का, जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, शुद्ध नाश्ता मिलता है। तो आप जब भी यहाँ गीता भवन राम झूला क्रॉस करके हैं तो यहाँ के नाश्ते का पूरी का आनंद ले सकते हैं। गीता भवन शुद्ध देसी घी से निर्मित जलेबी, पूरी, बूंदी, नारियल बर्फी, बेसन बर्फी। ये देखिए आप, इन्होंने ये काउंटर पे लगा रखी है, ये अलग अलग रेट्स लिखे हुए हैं। ये देखो सैंपल काउंटर है, ये बेलनी पूरी है ये। तो आज हम यहीं नाश्ता करेंगे और उसके बाद घूमेंगे हम। तो ये काउंटर है, यहाँ पर्ची बनती है, ये रेट लिखे हुए हैं, ये ओपन काउंटर ये है और सामने ये बनती है, ये बना रहे हैं। ये जलेबी काउंटर है, ये पीछे यहाँ से ये देखिए आप कितना साफ़ सुथरा है। अभी भीड़ कम है यहाँ सुबह सुबह,
तो पहले अभी नाश्ता करते हैं, कूपन लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम। तो हमने पूड़ी सब्जी 25 रुपए प्लेट है और कचौड़ी एक है 10 रुपए प्रति नग। तो हमने 3 पूरी सब्जी और 3 कचौड़ी का कूपन ले लिया। ये यहाँ पे कूपन देखिए, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर कचौड़ी और पूरी का। ये सामने कचौड़ी रखी है, अंदर बनती है, ताज़ी ताज़ी बनती है। तो अभी नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो ये 3 पत्तल पूरी कचौड़ी बड़ी। ये देखिए आप कितनी लाजवाब दिख रही है सब्जी। ये गरम गरम पूरियाँ बहुत फेमस है। आप जब भी यहाँ आएंगे एक बार यहाँ पे ज़रूर आना, गीता भवन वालों की पूरी की दुकान पर। ये कचौड़ियाँ देखिए आप, ये धीरे धीरे लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर दिन में। अभी ये देखिए आप पूरी सब्जी, ये कचौड़ी। तो अभी इसका एंजॉय लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी पूरी सब्जी और कचौड़ी का आनंद ले लिया है। अब ये देखिए, ये जलेबी, जलेबी आया कार्तिक, जलेबी का स्वाद लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहाँ शुद्ध देसी घी में बनता है सारा कुछ। तो इसका जलेबी का आनंद लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ गीता भवन में पूरी सब्जी, कचौड़ी और जलेबी का आनंद ले लिया है। नाश्ता हो गया है, बाइक तैयार, कार्तिक तैयार। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ गीता भवन मिठाई की दुकान पे ज़रूर आना। ये सबसे खासियत क्या है यहाँ की, यहाँ जो भी आइटम मिलता है, पूरी, कचौड़ी, जलेबी, सब शुद्ध देसी घी में मिलती है। तो आप पहुँचेंगे कैसे, जैसे ही राम झूला आप क्रॉस करेंगे स्वर्ग आश्रम के बगल में, ये देखो सामने राम झूला दिख रहा है, तो आराम से आप यहाँ आ सकते हैं इस रोड पर जो आगे परमार्थ निकेतन को चली जाती है। तो हम दोस्तों गोवा बीच की तरफ चलते हैं। हम मेरे राइट में चोटी वाला रेस्टोरेंट की तरफ रास्ता चला जाता है, ये 20 प्रसिद्ध चोटी वाला रेस्टोरेंट। और ये देखिए सामने राम झूला आ गया है। ये हमें राम झूला क्रॉस नहीं करना है अब, क्योंकि हम पहले से ही पल्ली पार जानकी सेतु से आ चुके हैं। तो हम गोवा बीच की तरफ जा रहे हैं। ये सामने ये राम झूला का रास्ता है और ये गंगा जी के किनारे जो रेत जमा हो जाती है, आगे गोवा बीच है। चल चल, ये देखिए नीचे जो पार्ट है ये रेत का। कितना खूबसूरत दृश्य है सुबह सुबह का। ये देखिए ये जो मुहाना है ये, इसे गोवा बीच बोलते हैं, गंगा नदी के किनारे। तो अपनी गाड़ी हम यहीं पार्क करेंगे और फिर हम गोवा बीच की तरफ चलते हैं। ये देखिए आप, तो ये हम अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके हम गोवा बीच की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए आप, कुछ पर्यटक स्नान कर रहे हैं। ये सामने राम झूला, ये देखिए रेत, देखो कितना सुंदर वातावरण है सुबह सुबह का, वाइब्रेशन बहुत शुद्ध है। बगल में गंगा नदी है, सामने राम झूला है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बहुत सुंदर स्थान है। आप जब भी आएँ एक बार कुछ देर के लिए यहाँ समय जरूर व्यतीत करें आप। ऊपर पहाड़ों पे शिवानंद आश्रम है, धार्मिक नगरी है, मंदिरों की नगरी है, काफ़ी श्रद्धा से लोग बाग यहाँ आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं लोग बाग।
वीडियोस बनाते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग भी होती है यहाँ पर, आगे शिवपुरी में भी होती है, कभी मैं वहाँ ले जाऊँगा आपको दिखाऊँगा। ये देखिए आप, आनंद लीजिए आप दोस्तों। ये अब हम गोवा बीच पे आ है काफ़ी देर से। अब ये ऋतिक देखिए बेटा, ये योगासन करता हुआ, कुछ एक्टिविटीज ये योगासन की करेगा यहाँ। और ये देखिए आप, ये पाम पे पूरा वेट, ये देखिए आप अष्टवक्रासना ये एंगल पोज, ये पूरा वेट पाम पे है, ये देखो पाम पे उठ गया है ये। अब ये एक पद बक आसन कर रहा है, ये बक आसन, ये देखो दोनों पैर उठा लिए हैं इसने। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये पूरा वेट पाम पे। आप भी दोस्तों ये गंगा माँ का आशीर्वाद लीजिए, ये गंगा माँ है। ये देखो आपने गोवा बीच का ये एंजॉय लेगा, ये गोवा बीच इसको बोलते हैं। आप ऋषिकेश से बहुत आसानी से आ सकते हैं, ये राम झूला। फोर व्हीलियर है तो आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो जाएगी, टू व्हीलियर है पैदल आप राम झूला क्रॉस करके ये इसमें आ सकते हैं। सायकालीन यहाँ आरती भी होती है ये, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं मिलते हैं। तो दोस्तों गोवा बीच घूमते घूमते ये हमारे घुमक्कड़ी ग्रुप के सदस्य हिमांशु जी जो दिल्ली से आए हैं, हेलो, ये मिल गए। तो ये मैं इनको शायद नहीं जानता था लेकिन इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो यही फ़ायदा होता है ग्रुप में जुड़ने का, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, कुछ हेल्प होती है, कुछ होते हैं विचार होते हैं, उनको जाना जा सकता है। तो हिमांशु जी कब आए आप यहाँ पर? मैं कल शाम में आया था। शाम आए, कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं तो शाम में आके परमार्थ में रुका हूँ। परमार्थ में रुके हैं, फिर सुबह पैदल पैदल ही देख रहा हूँ। वेरी गुड, क्या है घूमने का? अच्छा नहीं, यहाँ से आप लक्ष्मण झूला जा सकते हो, नीलकंठ ऊपर जाती है गाड़ी, नीलकंठ भी जा सकते हो, जीप मिलती है यहाँ से। नीलकंठ तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया। अच्छा गाड़ी लेके आए हो अपने? अच्छा पीछे वाले बैराज होके आए, वेरी गुड। अकेले आए हो आप? नहीं फैमिली भी है। फैमिली वहीं है अभी, वेरी गुड। छोटा बच्चा लेके आया हूँ तो सुबह। ठीक, करीब एक घंटा यहाँ पर हमने गोवा बीच में बिताया है और अब हम यहाँ से चलते हैं। उम्मीद है आपको ये गोवा बीच अच्छा लगा होगा, आनंद लीजिए। जब भी ऋषिकेश आए आप जरूर आना, बहुत खूबसूरत स्थान है ये, एक राम झूला के बगल में, एकदम गंगा माँ के एकदम नज़दीक बगल में। और मैं यहाँ से अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आगे फिर मिलता हूँ मैं आपसे। अभी आज का ब्लॉग, आप आज का एपिसोड ये गोवा बीच का मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की आपको कोशिश करी है। कोई भी मेरा एक सुझाव हो या कोई भी दोस्त मित्र आपका, आप लोग ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
फेसबुक की आईडी का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं मुझको, मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो आप निसंकोच मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम मित्रों, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।